हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के पढ़ेंगे, यानी नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, एल्वोलाइज है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे और जानेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में कि क्या क्या पार्ट उसमें इंडल्ज रहता है। साथ ही साथ में नोज़ के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ नेजल कैविटी पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ नेजल कैविटी का डिटेल, यानी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ट्यूबिकल इंक्रीज होता है तो क्या एक्सचेंज देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में आपके सेंसस ऑर्गन को भी समझेंगे कि जो हमारे नेजल कैविटी में ऑर्गन्स रहते हैं वो क्या चीज़ काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, फेरिंग्स के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स के बारे में भी समझेंगे कि किस तरीके से आपका फेरिंग्स है, लैरिंग्स यानी जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं वो, उसके बारे में भी समझेंगे कि कहाँ लोकेटेड है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, कैसे क्या उसकी पैथोजेनेसिस वगैरह है, उसकी एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी बेसिक पे हमारा फोकस रहेगा। ट्रैकिया के बारे में भी समझेंगे कि किस तरीके से ट्रैकिया वर्क करता है आपका, और साथ ही साथ में जब कभी किसी को ट्रैकोनोमा होता है तो उसमें किस तरीके से ऑपरेट करके और वहाँ पे रेस्पिरेशन का उसको एरिया दिया जाता है, अगर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसकी कोई प्रॉब्लम आती है तो। ब्रोंकाइस के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के डिटेल, एल्वोलाइज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ आगे और आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये वीडियो जो है हमारी पार्ट के अंदर रहेगी, पर डे 10 शीट को हम कवर करेंगे इसकी एक्सेल की, और धीरे धीरे इसको कवर करते हुए समझेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका एक मैकेनिज्म है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क करते हैं, जो कि जो मेन फंक्शन वर्क करता है वो करता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर। इसके अलावा क्या क्या जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में आता है, तो आपके सेंसेस ऑर्गन्स भी आते हैं इसमें, कई सारे डिजीज वगैरह के बारे में भी आपको देखने को मिलता है, वो आपका पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे फोकस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो ओवरसीज गैस एक्सचेंज होता है इसके अंदर। ओवरसीज गैस एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है कहाँ पे, ब्लड और एनवायरनमेंट में, यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ से हमारी बॉडी जो है लंग्स के द्वारा एयर को इनहेल करती है, और इनहेल करने के बाद क्या होता है वो एल्वोलाइज में जाके वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। यानी अगर मैं कहूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद इन द लंग्स इन एल्वोलाइज, यानी जो ये एल्वोलाइज है, ये आप देख रहे हो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ देख रहे हो आप बाहर से, और अंदर से ये इस तरीके का, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ आप देख पाओगे ये है बाहर से स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाइज। इसमें हवा जाती है तो ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है, यानी फूलता है, जैसे गुब्बारा फूलता है उसी तरीके से फूलता है। और ये जो स्पेस आप बीच में देख रहे हो, यहाँ पे एयर आ जाती है, और ये जो लाइनिंग्स यहाँ देख रहे हो, ये लाइनिंग जो है ये एल्वोलाइज की बेसिकली वो लाइनिंग है जहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। यानी मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या है, वो यहीं पे परफॉर्म होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पैसेज वेज टू द लंग्स प्योरिंग वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड द इंक्रीजिंग एयर, मतलब यहाँ क्या है कि जैसे ही हवा इसमें आएगी वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, और वो प्रेशर की वजह से क्या होगा, गैस ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे आने वाली जो कैपिलरीज है, दोबारा से मैं इस इमेज को बड़ा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे लगी हुई जो कैपिलरीज हैं इसके सरफेस पे वो क्या करती हैं, आरबीसी फ्लो करती हैं, और इसका सिंगल सिंगल आरबीसी फ्लो हो रही होती है, तो जो आरबीसी आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है इसी के अंदर यहाँ पे, और जो फ्रेश एयर है वहाँ से वो ऑक्सीजन जो है इसमें ट्रांसफर कर जाता है। यानी इसके सरफेस मैकेनिज्म पे इस तरीके का डक्ट होते हैं, इसको डक्ट बोलते हैं, कि इस तरीके का डक्ट होता है कि जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को आरबीसी के साथ अटैच कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी से बाहर निकाल देता है। यानी डक्ट होता है छोटे छोटे छेद, स्पोर जिसको बोलते हैं, ये इस तरीके से डिजाइन होता है कि मॉलिकुलर लेवल पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इजी हो जाता है फंक्शन करने में, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, तो जैसे भाई आप गैस ले है, तो आप हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो, जब वो क्या करेगा, दिल धड़कता है, लब डब साउंड आती है, पी क्यू आर एस में हम उसका ग्राफ देखते हैं,
ठीक है, तो ये क्या है, जब ऑक्सीजन आई तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, आर्टरी के थ्रू आपके हार्ट में जाती है, और वेन से जो ब्लड निकल रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो वापस लंग्स में आ रहा होता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे पहले हम लोग वैसे समझ लेते हैं, नोज आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला है, फेरिंग्स हो गया, फिर लैरिंग्स हो गया। अब फेरिंग्स क्या है, ये जो आपका माउथ के अंदर का जो तलवा है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर का जो पार्ट, यानी नाक से लेके आपके गले कंठ, जहाँ हम बोलते हैं जिसको हॉइड बोन जहाँ पे होती है हमारी, वहाँ तक का आपका फेरिंग्स होता है। हाँ, जहाँ कंठ हम जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, वहाँ तक रहता है। उसके बाद लैरिंग्स का पार्ट आ गया आपका, जहाँ कंठ है वो वाला लैरिंग्स पार्ट हो गया, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया होता है उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये जहाँ पे आपका क्या है, ये अभी मैं इस डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर है ब्रोंकाइज, लंग्स, एल्वियोलाइज, ठीक है। अब इस डायग्राम में हम एक एक पार्ट को यहाँ देखते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। देखो, सबसे पहले ये हो गया आपका नोज, ये हो गई नोज एंट्री, ठीक है, ये नोज एंट्री हो गई, ये नोज हो गया, ये हो गया आपका ओरल कैविटी यानी माउथ, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम दोनों जगह से सांस ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक फन फैक्ट याद रखना है, फन फैक्ट क्या है, अगर आप नाक से सांस लेते हो तो आप बीमार कम होगे, बशर्ते अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कैसे बढ़ जाएंगे, तो हमारा जो नेजल कैविटी है वो इस तरीके से डिजाइंड है, इस तरीके से बना हुआ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बैक्टीरिया या डस्ट आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही फंस जाता है। वहीं अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट जो है वो डायरेक्टली आपके लंग्स के एल्वियोलाइज में जाता है। इसीलिए जब आप सिगरेट मुंह से पीते हो तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डस्ट जो है वो आपके लंग्स में जा रहा होता है, और वहीं पे अगर आप सिगरेट का धुआं नाक से ले रहे हो, ठीक है, मतलब कोई पी रहा है आपके बगल में खड़े हो, तो वही चीज़ क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो वहीं पे नेजल कैविटी में जो डस्ट है वो स्टक कर जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका ओरल कैविटी, ये हो गया एंट्री ऑफ नोज, ये हो गया नेजल कैविटी, अब ये हो गया यहाँ पे फेरिंग्स, यहाँ पे हो गया ट्रैकिया, अब यहाँ पे आ गया आपका लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग, यहाँ पे है आपकी ब्रोंकस। देखो, ये आपकी ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, यानी बाहर तक जो है ये ब्रोंकस का एरिया। अब ब्रोंकाइज कहाँ होते हैं, तो ब्रोंकाइज इसके अंदर होते हैं, एल्वियोलाइज भी इसके अंदर होते हैं। ये डायफ्राम है, डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। कैसे मेंटेन करने के लिए, ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है, जब लंग्स में सांस आती यानी एयर फिल होती है तो ये नीचे की तरफ प्रेशर बनाता है, और इसका ये सी कर्व होने की वजह से ये क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ लो कि एक रबड़ है, आपने रबड़ पूरी अच्छी तरीके से दो हुक में लगा के खींची हुई है, और जब आप उसको नीचे खींचते हो तो वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए फास्टली जाती है, सेम अपनी पोजीशन दोबारा, जैसे धनुष है, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम जब धनुष को चलाते हैं, जैसे आप सब लोगों ने कई सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें तीर कमान का यूज़ किया जाता है, तो धनुष में जब वो स्ट्रिंग को खींचते हैं तो वो क्या होता है, वो स्ट्रिंग प्रेशर से अपनी पोजीशन वापस लेता है। तो यही काम क्या करता है, डायफ्राम करता है कि जब इसमें आपके लंग्स में एल्वियोलाइज में एयर आती है तो वो नीचे की तरफ प्रेशर बनाता है, और वो से जो जो प्रेशर बना वो क्या करता है, डायफ्राम वापस उस अपनी पोजीशन को आने में एक प्रेशर के साथ, एक फिक्स प्रेशर के साथ क्या करता है, एयर को बाहर की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो वो जो है वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस वहाँ पे होता है। इसी अगर डायफ्राम किसी का डैमेज हो गया तो वो सांस नहीं ले पाएगा, उसका लंग्स काम करना बंद कर देगा एकदम से। सांस भरने के लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सांस छोड़ने के लिए आपका डायफ्राम 60% आप कह सकते हो 80% रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी सांस जो बाहर छोड़ रहा है उसमें डायफ्राम का हाथ है। तो ये एक और एक फन फैक्ट कह सकते हो आप इसको, कि अगर डायफ्राम किसी का टूट गया या डैमेज हो गया तो वो सेम टाइम पे डेड कर जाएगा, उसका हार्ट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई है ब्लड की वो क्या होगी, रुक जाएगी। कौन सी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई। तो ये डायग्राम था आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो कि आपने यहाँ पे देखा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में, यानी हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो किस तरीके से डिज़ाइंड है, क्या क्या पार्ट्स उसमें आपको देखने को मिलते हैं।
तो बात कर रहे थे हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलता है। जैसे नोज़ है, नोज़ के साथ में आपको क्या मिलेगा, अगर मैं हिंदी में वैसे पहले आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपका मुंह जो है, टंग जो है, यहाँ पे अंदर कंठ जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। ऊपर से जो आइस के पास से डक्ट आ रहे होते हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके। साथ ही साथ में नोज़ अंदर से कितने लेयर में डिवाइडेड है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में आपके साइनस के कुछ एरिया देखने को मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि किसी को साइनस हो गया, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या हमेशा वो करता रहता है इस तरीके से, कोई करता रहता, ऐसा लगता है कि कुछ बलगम आ रहे, तो वो क्या है, वो यहाँ वाली जो फ्रंटल आपकी साइनस की जो मसल्स हैं, बोन्स जो, वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लैपिंग्स हैं, यानी आपके नोच जो हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपस में जब हवा पास होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो आपके सांस लेने में वो आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये सारी मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो चलो एक एक करके इसको समझते हैं अब आगे। तो सबसे पहला है आपका फ्रंटल साइनस, जो यहाँ पे ये येलो पार्ट आप देख रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका फ्रंटल साइनस है, ठीक है। यानी आपके नाक के जस्ट ऊपर जो जहाँ पे आईब्रो मिल रही है और नाक जहाँ स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ऊपर से, तो वो वाला जो पार्ट है आपका फ्रंटल साइनस कहलाता है। फिर है आपका इथमोइड बोन का पैलेट, इथमोइड बोन का पार्ट है, जो कि कहाँ है, आपके जस्ट फ्रंटल बोन के पीछे वाले पार्ट में, यानी अंदर की तरफ में है, ठीक है, जो ब्रेन के साथ में भी क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। उसके बाद क्या है, सुपीरियर नोच, सुपीरियर नोच क्या है, ये आपके नेजल में आप देखोगे तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है। फिर है मीडियल नोच और फिर है इन्फीरियर नोच, ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है लेयर में, ठीक है। यहाँ से जब एयर गई तो ये क्या होता है, ये तीनों पार्ट में इस तरीके से वो वर्क फ्लो करती है, ठीक। उसके बाद है एक्सटीरियर नोज, यानी बाहरी हिस्सा। अब यहाँ पे जो हेयर ग्रो होता है वो आपके इस वाले पैसेज में बाल होते हैं, जिसे हम नाक के बाल भी कहते हैं, छोटे छोटे से हेयर लाइक हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो वो क्या है, वो डस्ट को रोकने के लिए होते हैं। और साथ ही साथ में जो हमारे फ्लूड रिलीज होते हैं वो यहाँ पे रिलीज रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो यहीं पे स्टक हो जाता है, और जब हम स्नीज करते हैं तो वो सारा बाहर यहीं पे एक्सटर्नल से बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट का क्या काम होता है, यानी हमारा जो तलवा है जो आपके माउथ और नेजल कैविटी को क्या करता है, एक डिवाइडेशन देता है कि खाना नाक के अंदर ना चला जाए। अगर ये जो हार्ड पैलेट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, खाना क्रॉस कर जाएगा, या फिर क्या होगा आपका जब आप च्यूई करोगे कोई चीज़ को, सॉलिड चीज़ को, तो वो प्रेशर की वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो डैमेजेस होने के चांसेस किसके, इसके आपके नोच के डैमेजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे है आपका सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट का क्या काम होता है, अंदर जैसे आप जब अपना मुंह खोल के मिरर के सामने देखोगे तो पीछे जहाँ हमारा कंठ होता है वहाँ पे एक मस्कुलर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसके पीछे आपको क्या कंठ सा नज़र आता है, तो वो क्या है, सॉफ्ट पैलेट ही है, जहाँ पे आपको एंड में क्या होता है, एक हल्का सा मस्कुलर और सिस्टम सा ऑर्गन सा आपको वो दिखता है लटका हुआ, वो आपका कंठ होता है, वो क्या करता है, वही हेल्प करता है कि आपका खाना जो है वो नाक की तरफ ना चला जाए, ठीक है, वो क्या करता है, वो रोकने का भी काम करता है, और साथ ही साथ में जब आप बोल रहे हो तो मस्कुलर एक्टिविटी में फ्लो का भी काम कर रहा होता है। सॉफ्ट पैलेट के बाद आ जाते हैं हमारा टंग के ऊपर, ये जीभ, ये भी आपका क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि हम मुंह से भी सांस लेते हैं कई बार, ठीक है, तो इसलिए ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी आता है। फिर आता है लिंगुअल टॉन्सिल, जो आप कहते हैं ना कि भाई हमारा गले में टॉन्सिल बढ़ गया, अक्सर आपने सुना होगा कि ठंडा पानी पी लिया तो जी टॉन्सिल बढ़ गया, या मौसम चेंज हुआ तो टॉन्सिल बढ़ गया। टॉन्सिल बढ़ना मतलब क्या है, जो आपका यहाँ का मसल है बेसिकली, ये स्वेल हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पैसेज जो है ये छोटा हो जाता है। तो जब अगर कोई इंसान कुछ खाता है तो क्या होता है कि उसके वहाँ पे टॉन्सिलाइटिस में दर्द होता है, क्यों, क्योंकि जगह कम हो गई है, फूड जो है यहाँ से जो फूड है, ये फूड क्या होता है, वो सीधा यहाँ पे नहीं आ पाता है आपके फूड पाइप में, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें, तो ये आपका क्या है, फूड पाइप है, एपिग्लॉटस वाला जिसे बोलते हैं, और ये आपका ट्रैकिया है, जो कि क्या है, सांस की नली है, ठीक है। यहाँ अगर ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे आपके स्पेस कम हो गया, तो जब कोई बॉल यानी क्या खाने का जो हम खाते हैं वो जब मूव करेगा तो यहाँ पे टकराएगा आपस में वॉल पे टकराएगा, तो पेन महसूस होगा। खैर फिर है आपका लिंगुअल
टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल क्या है, ये आपका लिंगुअल टॉन्सिल है, ठीक है। फिर है आपका एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ये वाला फ्लिप है। ये फ्लिप का काम क्या होता है, ये फ्लिप का काम होता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ना हो, मतलब ऊपर से आने वाली चीज़ आपके ट्रैकिया में ना जाए और यहाँ वाली कोई चीज़ आपके इधर इसमें ना जाए, ठीक है। मतलब स्टमक के अंदर हवा ना जाए और लंग्स के अंदर खाना ना जाए, ठीक है। इसमें हेल्प करती है मस्कुलर एक्टिविटी में। फिर आपका हॉइड बोन, जो कि क्या है, मेन वोकल बोन भी कहा जाता है इसको, ठीक। उसके बाद है थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। अब ये थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स है, ये क्या काम करता है, तो जैसे कि मैंने अगर आपने वो वीडियो देखी होगी हमारी कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसमें कार्टिलेज वर्ड बहुत बार यूज़ किया था। कार्टिलेज क्या था, कनेक्शन यानी जोड़ने का काम कर रहा था, तो यही वही थायराइड कार्टिलेज है जो कि थायराइड को आपके ग्लैंड को जोड़ने में काम करता है, ठीक है। उसके बाद है क्रॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ये भी क्या है, कार्टिलेज है लैरिंग्स के, ठीक है, जो क्या करते हैं वो जो आपका ट्रैकिया है उसको होल्ड करके जोड़ने में मदद करते हैं। फिर है आपका थायराइड ग्लैंड, ये आपका थायराइड ग्लैंड है जो कि कहाँ रहता है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे जो एक गड्ढा सा छोटा सा दिखाई देता मतलब महसूस होगा आपको, वहाँ पे थायराइड ग्लैंड रहता है और ये हो गया यहाँ पे ट्रैकिया। तो आपने ये राइट साइड का सारे पार्ट सभी समझे, अब समझते हैं ये लेफ्ट साइड में यानी थोड़े बहुत ये पार्ट रह गए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले है हमारा ओएसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसमें खाना जाता है, ठीक है। वोकल फोल्ड, वोकल फोल्ड का क्या काम होता है, यहाँ पे ये रहता है, ये साउंड को इस तरीके से, अब यहाँ देखो यहाँ हॉइड बोन भी है, ठीक है, ये हॉइड बोन है। फिर आपका थायराइड कार्टिलेज भी है, ठीक है। तो ये जो वोकल फोल्ड है ये क्या करता है, सांस, जब हमारी हवा यानी जो हमने सांस ली, आप कभी भी देखना कि जब आप सांस लेते हो और सांस पूरी बाहर निकाल दो और बोलने की कोशिश करो तो आपकी आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि लंग्स में बची हुई जो एयर है उसी से आपका जो वोकल बॉक्स है वो चलने की कोशिश, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर जो है वो कम होने की वजह से वो प्रेशर उस पर आ नहीं पाता है। जैसे विसल है, सीटी बजाते हैं, जितनी ज़ोर से हवा पास होगी सीटी में उतनी तेज साउंड क्रिएट होगा। या जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम शंख बजाते हैं, शंख एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो पूजा वगैरह में बजाया जाता है हिंदू कल्चर में। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जब आप एयर को एक फिक्स प्रेशर पे रिलीज करते हो तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, ये क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा का प्रेशर इस स्पीड से आता है कि जब हमें जब कुछ बोलना होता है तो वो प्रेशर उतना ही रहता है, यानी यहाँ पे जो एक कह सकते हो आप फिक्स एंगुलर और फिक्स प्रेशर से हवा निकलती है, उससे ही हमारी साउंड जो है वो स्लो और लार्ज होती है। आप कभी इसको करना हो कोशिश तो बहुत फैदर लाइक स्ट्रक्चर, या किसी का जैसे पंख हो गया, कोई चिड़िया का जैसे पंख अगर मिल जाए तो वो अपने मुंह के सामने रखना और बोलना शुरू करना, धीरे बोलना शुरू करना, फिर तेज 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 तेज, तो देखना कि जो एयर फ्लो है वो वहाँ आपको महसूस हो जाएगा उस फैदर पे कि किस प्रेशर में एयर निकल रहा है, और वही जो है वो साउंड वेव में कन्वर्ट होता हुआ निकलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से एयर फ्लो होने की वजह से आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और साथ ही साथ में जरूरी नहीं है कि खाली एयर फ्लो से हो रहा है, नहीं, मस्कुलर एक्टिविटी भी चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे, जिससे आपका जो वॉइस है वो प्रोड्यूस हो रही है, यानी साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपका ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स ये वाला पार्ट है आपका। उसके बाद आ जाते हैं आपका यूविला, यूविला आपका ये यहाँ पे इस पार्ट को यूविला कहते हैं, ठीक है। इंटरनल नेजल यानी ये आपका इनर वाला, जहाँ पे कहाँ पे जो नोच थी वो आके मिल रही थी, ठीक है, ये इस वाले पार्ट को कहते हैं। उसके बाद है आपका नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स आपका ये जो डक्ट है यहाँ से, यानी जो आँख के पास से डक्ट आ रहा है ऊपर से नीचे, उसको उस वाले इस पर्टिकुलर एरिया को हम नेजोफेरिंग्स बोलते हो। ओपनिंग ऑफ ऑडिटियो ट्यूब यानी जो ऊपर की ये ओपनिंग है, ठीक है, ये वो एरिया हो गया, और ये इसके जस्ट ऊपर उसकी ओपनिंग हो गई, किसकी, जो आपकी आंखों के जो जैसे कहते हैं ना आंखों में से पानी आता है या डस्ट होता है तो वो नीचे की तरफ निकलता है, तो वही वाली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका फेरी ग्लॉन्ड, तो ये था हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं द नोज के बारे में, समझते हैं कि नोज क्या होता है। द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी क्या है, ये अकेला एक क्या है आपका एक्सटर्नल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एयर एंटर्स नोज थ्रू द एक्सटर्नल
नेजल्स यानी जो नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी ये जो एयर जो यहाँ पे है, ये क्या है, ये आपके नेजल कैविटी है, ठीक है। इसी कैविटी के थ्रू पास होता हुआ क्या होता है, हवा जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बीच बीच में हट जैसे यहाँ से गया फिर यहाँ रुकेगा, इस साइड से जाएगा, ये साइड से जाएगा, इधर घूमेगा, इधर घूमता हुआ जाएगा। ये सेंसर ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, आपके जो स्मेल है हम लोग कर पाते, फ्रेगनेंस है, वो यहीं से महसूस होती है। वो पार्टिकल्स यहीं पर अटकते हैं, वो पार्टिकल अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। यानी जो सेंसर पार्टिकल्स है जिससे पता लगता है कि कैसी फ्रेगनेंस आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है, वो यहीं इसी सेंसर की वजह से हमें पता लगता है। ये ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, ठीक है। और आप कह सकते हैं इंटरनल नोज कनेक्ट विद अ नेजल कैविटी डिवाइडेड बाय अ नेजल स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये नेजल स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, दीज आर द नेजल स्पेक्ट्रम, और इसी स्पेक्ट्रम से वो कनेक्टेड रहती है। अब बड़ा करके इस इमेज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है आपकी इमेज, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये आपके क्या थे, नोज थे जो स्पेक्ट्रम बना रहे थे, ठीक है। ऑफ्लेक्ट्री नर्व्स, ये क्या है, ये वो नर्व है जहाँ से सेंसर महसूस होता है, मतलब कौन सी स्मेल आ रही है, क्या आ रहा है, वो महसूस होगा। ये ऑफ्लेक्ट्री बल्ब है, यानी ये वो एक बल्ब टाइप का कह सकते हो थिकनेस, जहाँ पे आके क्या होता है, जो आपकी छोटी छोटी नर्व्स हैं वो ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर वो एरिया है जहाँ पे वो सेंस करता है, ठीक है। सेंसरिंग पार्ट है किसका, जो एयर में से स्मेल या फ्रेगनेंस वाले मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आके टकराते हैं, टकराने की वजह से वो यहीं पे स्टक होते हैं, और स्टक होते हैं तो हमें महसूस होता है कि किस तरीके की स्मेल जो है वो आ रही है, ठीक है। द नोज के अंदर में इतना ही था, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ नेजल कैविटी के बारे में। तो एनाटॉमी ऑफ नेजल कैविटी में जो मैंने पार्ट आपको बताया था कि एक छोटे छोटे पार्ट, यानी ये वाला डायग्राम अगर आपको थोड़ा ध्यान में आए तो ये इसी डायग्राम को और अच्छी से एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं अब हम कि किस तरीके से आपके पार्ट हैं जो वो वर्क करते हैं। तो ऑफ्लेक्ट्री रेस्पिरेटरी आर लोकेटेड इन अ म्यूकोसा ऑफ द स्पेयर सरफेस। अब ये क्या है, अब जो आपका यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये है आपका रेस्ट ऑफ द कैविटी ऑफ लाइंड विद रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, यानी रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा वाला पार्ट है यहाँ इसके अंदर रहता है। मॉइस्टर्न एयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके ट्रैप्स है वो इंक्रीज होते हैं फोर्सिंग द प्रैक्टिकल्स। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जब हम सांस लेते हैं या कुछ खाते हैं तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर मस्कुलर एक्टिविटी होती है, यानी नेजल कैविटी की जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका ये पूरा वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एनाटॉमी ऑफ नेजल कैविटी। तो लेटरल वॉल जो है वो प्रोजेक्टेड होती है कहाँ पे, आपके इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, यानी अब यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपकी जो सरफेसिंग है, ठीक है, ये क्या करती है, ये बेसिकली क्या काम करेगी, ये आपके एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट भी करती है, साथ ही साथ में अगर ये बढ़ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अगर ये कम हो जाएगी तो उस केस में भी आपको क्या होगा, सफरिंग करोगे आप किससे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, ठीक है। तो अब एनाटॉमी में अगर हम थोड़ा सा फोकस करें इसके पूरी प्रॉपरली, तो जो अब ये नेजल पैलेट की जो मैं बात कर रहा था, तो ये क्या है, बेसिकली नोच डिफाइन करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर बड़ा करके दिखाऊं तो ये जो हमने नोच पढ़े थे अपर मीडियल और लेटरल वाले, ये क्या है, ये एरिया प्रोवाइड करते हैं, किसको एरिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ से जब हमने एयर इनहेल किया तो ये क्या करेगा, ये एरिया प्रोवाइड, जितना अच्छा ये डेवलप होगा उतना ही आपको मैक्सिमम क्या होगा, एयर सरफेस को अंदर जाने में हेल्प मिलेगी, उतने ही बढ़िया से आप सांस ले पाओगे, हम इसको ये कहते हैं कि उतने बढ़िया से आप एयर को क्या करोगे, फ्लो कर पाओगे, और जितना बढ़िया ये डेवलप होगा उतनी ही मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डस्ट है, या आप उसको कह सकते हो कि एक तरीके से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहीं पे रह, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जिसे बोलते हैं वो यहीं पे रह जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, फिर वो वापस कफिंग के फॉर्म में वापस बाहर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका एनाटॉमी ऑफ नेजल कैविटी के अंदर में। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पर्सनल जो साइनस है, यानी साइनस का पार्ट क्या क्या होता है, जैसे फ्रंटल बोन है, स्फेनॉइड बोन है, इफेनॉइड बोन है, और मैक्सियल बोन है। अब यहाँ पे अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो फेस बोन के अंदर आपने ये सारी बोन पढ़ी होगी, जिसमें बोन ऑफ फेस के अंदर था कई सारी बोन्स में, ठीक है, फ्रंटल बोन भी था, स्फेनॉइड बोन भी था, इथेमॉइड बोन भी था उसके अंदर, ठीक है, और
मैग्जिलरी बोन भी था, मैग्जिलरी मतलब ऊपर की बोन, यानी जो तलवे वाला बोन होता है। तो यहाँ डायग्राम के हेल्प से अगर हम समझें तो ये सेंसर कैसे रहता है, ये है आपका फ्रंटल साइनस, ठीक है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर साइनस बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, ये प्रेशर बना देता है इंक्रीज होने की वजह से, तो यहाँ पे एयर फ्लो जो है वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाता है। इफेनॉइड साइनस एंटीज जो कह सकते हैं, ये हरे कलर का जो आप देख रहे हो ये चीज़ है, फ्रंट से आपको इस तरीके से ये देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे एयर का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, यहाँ से राउंड शेप में जा रहा है ये सारा, ठीक है। एक तरीके से आप ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट होती है। अब ये है ऊपर की इसकी किसकी, ये मैक्सिलरी आपकी साइनस है, मैक्सिलरी साइनस मतलब जो बाहर की साइड यहाँ उठ चिक बोन के पास जो रहती है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है कि जब भी आपका कोई भी आप मतलब पार्टीशन, एक तरह से पैलेट जो ऊपर वाला तलवा है और ऊपर का जो पार्ट है, इसके पार्टीशन के में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। और ये आपका साइनाइड सेंस है बैक साइड में, इसका आप देख सकते हो रेड कलर से ही डिनोट किया हुआ है यहाँ पे अलग से। तो ये पार्ट था आपका पैरानेजियल साइनस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फंक्शन ऑफ पैरानेजियल साइनस, यानी क्या फंक्शन है इसका। तो ये क्या करता है, लाइटन द स्कल, यानी आपके स्कल जो है उसको हल्का करने में, यानी जैसे अगर क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिज्म है तो उसको सपोर्ट करता है, जैसे मैं बताया ना डिफरेंट, उसको डिवाइड करके रखता है प्रॉपरली, ठीक है। एक्ट एज रेजोनेंस चैम्बर फॉर स्पेस, मुंह का स्पीच, सॉरी, तो कैसे, जैसे जब हम बोलते हैं तो जब हम बोल रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली क्या करेगा वो, जब हम बोलते हैं तो जो एयर फ्लो जो है उसको मैनेज करेगा इस तरीके से कि आपके जो एक फ्लो है वो मेंटेन रहे और मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्मूथ और फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। प्रोड्यूस म्यूकस दैट ड्रेन्स इनटू द नेजल कैविटी। अब ये म्यूकस बनाने का भी काम करता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम ज़्यादा धूल मिट्टी में चले जाते हैं तो गंदगी निकलती है मुँह से, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेसिकली आपके लिक्विड फॉर्म जो कि जनरेट करता है आपका क्या सिस्टम, कौन सा, पैरानेजल साइनस जनरेट करता है, वो डस्ट उसमें आके चिपक जाती है लिक्विड में और वो एक तरीके से म्यूकस की फॉर्म में बाहर आता है नेजल कैविटी से। लास्ट आज का देखते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका थॉरेक्स है जिसको हम फेरिंग्स भी बोलते हैं। फेरिंग्स का काम क्या होता है, तो ये मस्कुलर पैसेज है जो कि क्या करता है, फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंग्स, ठीक है। यानी आपके जो जब पहले तो हो गया भाई नाक से जो पीछे गया उसको बोलते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स और लैरिंग्स यानी आपका जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ये उसके बीच का पार्ट है, ठीक है। इसका ये थ्री रीजंस में जो है बेसिकली डिवाइड रहता है, कौन कौन सी है, तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स का क्या काम होता है, सुपीरियर रीजन बिहाइंड नेजल कैविटी, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट नेजल कैविटी के जो पीछे रहता है जस्ट, यानी यहाँ वाला, ठीक है। अभी मैं डायग्राम के हेल्प से आपको समझाऊंगा। और यह है ओरोफेरिंग्स, मीडियल रीजन है यानी बीच का पार्ट है। लैरिंगोफेरिंग्स जो है इन्फीरियर रीजन है जो कि अटैच रहता है आपका लैरिंग्स के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये जो ओरोफेरिंग्स है, लैरिफेरिंग्स क्या करता है, कॉमन पैसेज वे है ये एयर और फूड का, यानी ये वो पार्ट है, कौन सा, फेरिंग्स वो पार्ट है जहाँ से हवा भी पास होती है और खाना भी जाता है, ठीक है। तो अब ये समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से कोशिश करता हूँ मैं समझाने की आपको। तो ये है आपका ये डायग्राम। अब यहाँ देखो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब ये जो पार्ट है आपका, देखो यहाँ माउथ से भी कनेक्टेड है और ये नोज से भी कनेक्टेड है। अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो शीशे के सामने जब आप मुंह खोलोगे और आप पूरा अच्छे से एक्सटेंड करके मुंह खोलना और जीभ जब बाहर निकालोगे तो बैक पोर्शन जो आपका दिखाई देता है मिरर में, जहाँ पे आपका टॉन्सिल भी लटक रहा होता है, तो वहाँ पे क्या है, वो वाला जो सरफेस है दैट इज योर फेरिंग्स, ठीक है। जहाँ पे क्या आ रही है, नोज की एंट्री भी आ रही है, माउथ की एंट्री भी आ रही है और ऊपर से जो दो डक्ट्स आ रहे हैं आई वाले, वो भी वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये था आपका फेरिंग्स का। उम्मीद करता हूँ रेस्पिरेटरी ट्रैक में अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। कंटिन्यू करेंगे कल इसी टॉपिक के साथ, हम लोग फेरिंग्स के डायग्राम के साथ में इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के बाद हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद और आगे फेरिंग्स लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप स्टडी।